मूंगफली अनुसंधान निदेशालय देश में मूंगफली क्षेत्र उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। ICARDGR नई तकनीक विकसित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है और इस संदर्भ में एक तकनीक विकसित की गई है जिसका वर्णन हम इस वीडियो के द्वारा करेंगे। ब्रूचिड ब्रिंग मूंगफली का एक प्रमुख भंडारण कीट। वैकल्पिक परपोषी ब्रूचिड ब्रिंग एक अति विशिष्ट कीट है। मूंगफली के अलावा इमली, करंज, बबूल, अमलतास, तेजपत्ता आदि इसके प्रमुख परपोषी हैं। इमली पर यह ब्रिंग सबसे कम समय यानी 12 से 13 दिन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। ऋतु आधारित उपस्थिति गर्म एवं आर्द्रता वाले क्षेत्र इस ब्रिंग के प्रजनन के लिए काफी अनुकूल होते हैं। हालांकि 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 70 से 75% आर्द्रता ब्रिंग के जीवन चक्र के लिए अनुकूलतम माने गए हैं। जून से दिसंबर महीनों में बढ़ा तापमान एवं आर्द्रता ब्रिंग को स्थापित होने में सहायक होते हैं। ब्रूचिड ब्रिंग का प्रबंधन मूंगफली की उन प्रजातियों का रोपण करें जिसमें ब्रूचिड ब्रिंग का नुकसान कम होता है, जैसे TMV10, CG3, GG4, GG6, VRI3, R8808, TAG24, धनबाद के 8, DRG12, DRG17, चंद्र, RS1, ICGS44 तथा ICGS5। भंडारण से पहले मूंगफली की फलियों को अच्छी तरह से सुखाएं ताकि बीज की नमी सुरक्षित स्तर यानी 9% से कम पर रहे। क्षतिग्रस्त फलियों एवं बीजों का भंडारण से पहले अलग कर दें। ऐसा करने से द्वितीयक कीटों के नुकसान से बचा जा सकता है। जहां तक हो सके फलियों का भंडारण पॉलिथीन या सुपर अनाज थैली में अथवा जस्ते PVC के पीपों डिब्बों में करें। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड 56% की 10 ग्राम की थैली को 1 टन फलियों के हिसाब से रखकर गोदामों में भली भांति हवा बंद करें।